इधर का लोकेशन है सबसे बढ़िया। अभी नज़ारा दिखा देते हैं अब लोग एक जरा सा, ये देख सकते हैं पहाड़ के नीचे ही हम लोग का घर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए ब्लॉग पे। अभी आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है, अदरवाइज यदि पार्ट वाइज बनाऊंगा तो 2-3 पार्ट में हो सकता है। अभी मैं जा रहा हूँ बंगाल, एक मेरा रिलेटिव का घर। अभी ये अभी नहीं बताऊँगा, आगे बताऊँगा कहाँ पर जा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल आसनसोल जाऊँगा, आसनसोल के बाद फिर कहाँ जाता हूँ ये थोड़ी देर में आप लोगों को पता चलेगा। चलिए मिलते हैं सीधे रास्ते पर। बस अब कुछ ही पलों में निकलने वाले हैं, देख सकते हैं विद्यासागर स्टेशन रेलवे स्टेशन है ये। तो अब ट्रेन पकड़ना है क्योंकि अभी से एक नहीं गया, वो हमको कर्मड़ा छोड़ दिया कुछ कारणवश, और ये रहा मेरा लॉगेज। तो बस यहाँ से अभी ट्रेन पकड़ेंगे 3:20 पर और आसनसोल पहुँच जाएंगे लगभग वही 5 बजे के करीब। बस पहुंच गए आसनसोल, ये रहा स्टेशन का नजारा। जस्ट अभी आसनसोल में उतरे और देखे तो पूरा भीड़ है अभी ओवर ब्रिज, बस ये खाली हो जाए उसके बाद फिर निकल जाएंगे बाहर, टिकट भी कटाना पड़ेगा। ये रहा आसनसोल रेलवे स्टेशन के बाहर का नजारा जो अभी शाम के टाइम में लगभग है। देख सकते हैं एक फव्वारा भी यहाँ पर है स्टेशन के सामने, काफ़ी लोग फोटो शूट भी कर रहे हैं यहाँ पर, तो सोचा मैं ही कर लूँ। और यह है मेन स्टेशन इंट्रेंस जहाँ से इंटर किया जाता है आसनसोल स्टेशन। काफ़ी खूबसूरत लगता है, मतलब डार्क लाइट में ऐसे भी खूबसूरत है। ये है हम लोग का आसनसोल जो बंगाल की जान है। बस अभी आसनसोल में उतरे हैं, अब देख सकते हैं पीछे किस तरह से वो फव्वारा रहा है, और इस साइड में है आसनसोल रेलवे स्टेशन, काफ़ी खूबसूरत देखने को लग रहा है। और है क्या, अभी जीजा जी का वेट कर रहा हूँ, बस जीजा जी बस में निकल चुके हैं। जीजा जी ऐसे मेरा एक मामा का लड़का है तूफान, उसका नाम, बस उसी के साथ जाने वाला था मैं क्योंकि बाइक लेकर रहने वाला था, लेकिन जब ट्रेन में मैं चढ़ा विद्यासागर में तो जीजा जी हमको फ़ोन किए कि मैं भी जाऊँगा। तो 3 ट्रिपल लोड तो बंगाल में, मतलब बंगाल का कहीं भी सवारी नहीं कर सकते हैं। तो तूफान को बोला कि तुम निकल जाओ, हम और जीजा जी ट्रेन में चल जाएंगे। तो बस जीजा जी का ही वेट कर रहे हैं, बस जीजा जी आते ही हम निकल जाएंगे। तो चलिए तो अभी टिकट कटा लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है आसनसोल का रात में, और फिलहाल मैं मास्क उतारा और अभी एक चाय पी के मैं फिर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। और चलिए असली बात बता ही देता हूँ कि मेरा एक मौसी का लड़का है तो सोमन, उसी का शादी है, तो शादी में जा रहा हूँ मैं। ये पहले मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं करा था, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना चाहता था लेकिन हुआ नहीं। जितना भी प्लान करा वो सब प्लान मेरा फेल हो गया। पहले तो अभिषेक के साथ आने वाला था डायरेक्ट बाइक पर आसनसोल, वो भी नहीं हुआ, वो ड्रॉप आउट मार दिया। और तूफान का साथ भी आसनसोल में पिकअप हमको तूफान करने वाला था, वो भी नहीं हुआ। अभी मैं फ़िलहाल जीजा जी के साथ ट्रेन में चढ़ूँगा यहाँ से, मतलब जयचंडी में वो लोग रहते हैं तो वहीं पर ट्रेन में चढ़ूँगा। तो यहाँ पर आसनसोल से ट्रेन में चढ़ के जयचंडी में उतरूँगा, आधा घंटा से 45 मिनट लगभग लगेगा। तो बस जीजा जी का ही वेट कर रहा हूँ। और सामने देख सकते हैं रेलवे स्टेशन, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है आसनसोल। वेस्ट बंगाल का एक सुंदर चेहरा है आसनसोल, और बहुत फेमस भी है, फेमस है, चर्चित नाम भी है। देख सकते हैं क्या है स्टेशन। फिलहाल जीजा जी मिल गए, ये देख सकते हैं आगे आगे। फिलहाल जीजा जी से मुलाकात हो गया, ये देख सकते हैं आगे, ये रहा। अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। कितना नंबर में आएगा ट्रेन? एक नंबर ही देवे ना कि? अभी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का, जो अभी 2 नंबर में ही आएगा और हम लोग निकलेंगे जयचंडी स्टेशन के लिए। बस वहीं पर मौसी घर है, तो चलिए देखते हैं कितना टाइम में पहुँचता है। बस अभी घर पहुंच गए, मतलब मौसी का घर, और कल फिर दिखाएंगे आप लोगों को किस तरह का क्या रस्म है क्या नहीं। और ये रूम हम लोग को मिला, देख सकते हैं ये बड़ा रूम, ये रूम में मामी लोग हैं, ये रूम में हम लोग हैं सब। ये 2 रूम हम लोग को मिला,
क्योंकि ये मतलब सिट्टू का एक फ्रेंड का घर है साइड में ही, तो गांव हम लोग का गांव का एक रिवाज है, मतलब इधर लॉज वगैरह सहज जैसा तो उतना मिलता नहीं, तो यहाँ का जितना दोस्त वगैरह है सब बहुत हेल्प करता है, अपना घर में जो एक्स्ट्रा रूम है वो मेहमान लोगों को ठहरने के लिए आराम से दे देते हैं। चलिए थोड़ा छत का नज़ारा दिखा देते हैं आप लोगों को, यदि खुला है तो हमको पता नहीं। हाँ खुला तो है। इधर का लोकेशन है सबसे बढ़िया यदि बोलिएगा तो, अभी देख सकते ये है छत जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, और ये बगल में ही ये सोमन का घर है, मतलब मौसी का घर, ये वाला घर। तो अभी नज़ारा दिखा देते अब लोग एक ज़रा सा, ये देख सकते हैं जस्ट पहाड़ एकदम सामने में ही है, पहाड़ के नीचे ही हम लोग का घर है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। ये पहाड़ में भी जाएंगे हो सकेगा तो कल, उसका एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, इसके ऊपर चढ़ना है, इसके ऊपर जो है पूरा चढ़ना है, और इसके ऊपर देख सकते हैं मंदिर भी है। और थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, मेरा कैमरा तो उतना अच्छा क्वालिटी का है नहीं, फिर भी दिखा देते हैं। देख सकते हैं ये वाला जो मंदिर है, ये वाला मंदिर, बस इसी में जाना है कल, उसका एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। और नीचे का नज़ारा देखते हैं, यहाँ पर पंडाल किया है, खाने पीने का जो व्यवस्था यहाँ पर किया है, और ये है रोड। इधर से आए थे कल रात को, इसीलिए हम नहीं ले पाए क्योंकि बहुत अंधेरा था, और कल पूरा बारिश भी हो रहा था, इसलिए कल का फुटेज हम नहीं ले पाए, और बहुत टायर्ड भी हो गई थी इसलिए आके सो गए थे, और मेरा मोबाइल में चार्ज नहीं था इसी कारण बस कल फुटेज नहीं ले पाए। और रात में कुछ अच्छा खासा आता भी नहीं, इसलिए सोचे कि दिन में ही ले लेते हैं। आज सुबह का ये फुटेज है, और आगे का रस्म जो है वो दिखाने का कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि आगे का पार्ट देखने के लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा, और चैनल पर बने रहने के लिए रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर देना होगा। ये तो कॉमन वाली बात है, सबको जानकारी है, और यदि जानकारी नहीं है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है वो और भी बेहतर होगा। इधर का लुक आपको खाली दूर से ही मैं दिखा दिया, अभी पहाड़ी वाला जो लुक है वो सामने से देखने को मिलेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।